प्रतिभाओं को जरूरत होती है एक मंच की, जहां खुद को साबित करने का मौका मिले। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी ट्रेनिंग और बेहतर सुविधाओं के अभाव में भी एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं मौजूद हैं। लेकिन आवश्यकता है उन्हें खोज निकालने की, उन्हें परखने की और उनके आसमानी उड़ान के लिए उनकी प्रतिभा को पंख लगाने की। आज जब हर क्षेत्र में हमारे देश के युवा परचम लहरा रहे हैं, तो बेटियां भी खुद को विश्व पटल पर साबित करने में किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन इसे और ताकतवर बनाने के लिए बरेली के रानी अवंतीबाई महिला महाविद्यालय ने छात्राओं की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें निखारने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत विद्यालय प्रबंधन की तरफ से युवा महोत्सव के तहत उमंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 17 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता के साथ साथ कला संस्कृति सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां निबंध, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग, रंगोली, आशुवाद, केश सज्जा, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, मेहंदी आर्ट, प्रश्नोत्तरी, नृत्य, सुर संगम प्रतियोगिता में इच्छुक छात्र छात्राएं भाग लेकर अपनी प्रतिभा पेश कर सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा राव, प्राचार्य वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। हमारे यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय स्पोर्ट्स जो कि युवा महोत्सव के अंतर्गत हमारे यहाँ ये चलेगा प्रोग्राम आगे भी, जिसका शुभारंभ आज से हुआ है। इसमें बहुत सारी आज स्पोर्ट्स की, आज और कल स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता है, उसके बाद दूसरी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, उनकी प्रतिभा सामने आएगी और उसमें बच्चों ने अभी से ही बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेने की उन्होंने अपना इंटरेस्ट हम के आगे शो किया है और हम लोग लगातार उनके उत्साह में खड़े हुए हैं आगे। और हमें भी लगता है कि जो इनकी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, क्योंकि बच्चे पिछले दिनों में लॉकडाउन में कुछ कर नहीं पाए, अपनी प्रतिभा को दबा के रखा, सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से वो इतना शो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अब उनको ये मौका मिल रहा है और इसका वो लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं और बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ मैं जो मुझ में प्रतिभा है वो मेरे सबके सामने आ रही है, उसको एक अच्छा स्टेज मिल रहा है महाविद्यालय के माध्यम से। तो इसके लिए हम पूरा महाविद्यालय परिवार इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इतने कष्टों के बाद ये दिन देखने का मौका मिला है और हम सभी जितने शिक्षक साथी हैं सबका आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा और हमेशा इनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइट।